अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने विधायक अनिता भदेल के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कई विषयों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने बताया कि अजमेर के साथ प्रदेश में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा शमशान में कोविड-19 बीमारी से पीड़ित कई मृतकों का दाह संस्कार किया जा रहा है और रोजाना सैकड़ों मृतकों का दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में 2 से 5 तक ही दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सभी को वास्तविक सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। वही कोविड-19 मरीजों के लिए केवल ऋषि घाटी को ही चयनित किया गया है, लेकिन अन्य शमशान में भी दाह संस्कार किया जा रहा है। ऐसे में अन्य स्थानों पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो पा रही, जिन्हें चिन्हित कर गाइडलाइन की पालना करवाई जाए। वही ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर जल्द से जल्द तैयारियां सुचारू करने और JLN अस्पताल में ऑक्सीजन के बीच आई प्रॉब्लम को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। माननीय जिलाधीश महोदय से आज मिलकर के कोरोना महामारी में जो समस्याएं आ रही हैं और आम जन को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे अवगत कराया, उनसे समाधान की मांग की। एक बड़ा विषय है तो JLN हॉस्पिटल में हमारी पार्षदा भारती जांगीर जिनकी मृत्यु हुई वहाँ की लापरवाही के कारण से, कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन हुआ उसके कारण से केवल वही नहीं और भी कई मरीज कालकल्पित हुए, तो इस प्रकरण की उन्होंने टेक्निकल जांच कराने का आश्वासन दिया है। टेक्निकली जो कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नहीं हैं, ऐसे टेक्निकल स्टाफ से इसकी जाँच करवाएँ। दूसरा, जो ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसके पेशेंट्स अब अजमेर में आने लगे हैं, तो इसके लिए तुरंत उनके दवाइयों के इंतजाम का विषय। इसके अलावा अभी तक केवल मात्र ऋषि घाटी शमशान में नगर निगम व्यवस्थाएं कर पा रहा था, मोक्षधाम में ही कोरोना पेशेंट्स के अंतिम संस्कार के लिए विधि विधान से। हमने अभी डॉक्टर साहब से बात की कि और भी ऐसे आइडेंटिफाइड जो मोक्षधाम है जहाँ लगातार कोरोना पेशेंट्स के जो कोरोना जो मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार हो रहा, तो वहाँ पर सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा, न वहाँ पर इस व्यवस्थाएं हो पा रही है, जिसके कारण से संक्रमण ज़्यादा फैलने का खतरा और साथ ही संक्रमण के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं होने के कारण से वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे शमशानों को, ऐसे मोक्षधामों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर भी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कराया जाए कि सरकारी गाइडलाइन से वहाँ पर उनका संस्कार हो सके, जिस पर कलेक्टर साहब ने तुरंत सहमति दी और नगर निगम कमिश्नर से इस बारे में बात की। ऐसे ही अजमेर में जो बड़े काम जो कुछ चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन कामों में जो गति धीमी हुई है उसको त्वरित गति से बढ़ाने के लिए मेरे क्षेत्र शास्त्री नगर की जो सड़क है उसका निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ पड़ा है, से लेकर एलिवेटेड रोड और बाकी जो काम चल रहे हैं उनकी त्वरित गति बढ़ाने के लिए हमने डिमांड आज कलेक्टर साहब से की, जिसमें उन्होंने तुरंत जो भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अधिकारी उनसे बात की। इसके अतिरिक्त एक बड़ा इशू और था कि सरकार कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसमें बार बार हेर फेर कर रही है, छुपाने का प्रयास कर रही है। तो हमने, मेरा ये कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो सच्चाई है, जो कोरोना पीड़ितों के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सामने आने चाहिए, उससे होने वाली जो मृत्यु है उसके आंकड़े भी सामने आने चाहिए। एक और तो देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार इन आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। RT-PCR टेस्ट को कम से कम किया जा रहा है, जो डेथ हो रही है, जो मृत्यु हो रही है, उन मृत्यु के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। ध्यान में आता कि अजमेर जैसी जगह में प्रतिदिन हर शमशान में कोरोना पीड़ितों की संस्कार हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो आंकड़े हैं वो केवल मात्र ऋषि घाटी और JLN हॉस्पिटल से निकले हुए हैं, उन मृतकों को ही मृतक मान रहे हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल से घरों में जिनकी मृत्यु हुई है उनको उन आंकड़ों में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो हमने आग्रह किया है कि सच का सामना सरकार को करना चाहिए और ये जो सच है ये आम जन तक भी पहुंचे, जिससे आम जन भी इससे सचेत हो और ध्यान में आए कि कोरोना से बचाव के लिए लापरवाही नहीं, सावधानी के साथ।